हेलो एवरीवन इस ट्यूटोरियल में हम बॉटनी का जो पास्ट पेपर है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का उसको डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें थोड़ा इंग्लिश का पोर्शन है वो भी हल किया गया है सो लेट अस डिस्कस सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है अगर आप राइट right आंसर दे रहे हैं आपको दो मार्क्स मिलेंगी और अगर आपका एक आंसर गलत हो जाता है तो जो आपको मार्क्स मिली हुई हैं उनमें से एक मार्क कट हो जाएगी उसके बाद ये है कि जो कैंडिडेट्स को एडवाइज़ किया जाता है कि वो अपने क्वेश्चन बुकलेट्स या क्वेश्चन बुक्स जो हैं उनको चेक कर दें और इस्टार्ट होने से पहले ताकि कोई मिस प्रिंटिंग हो या पेज मिसिंग हो तो वह आपको पता चल सके उसके बाद कैलकुलेटर्स आर नाट अलाउट और उसके बाद है कि जो बुकलेट आपको दी जाती है उस पर कुछ भी आपने लिखना नहीं होता और वो एज़ इट इज़ आपको रिटर्न करनी होती है पेपर के बाद सो so, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था राड शेप्ड एलोंगेटेड, थिक वाल्ड, लिग्निफाइड सेल्स जो हैं वो किसके सीड कोट्स में पल्स आ, पल्सिस के सीड कोट्स में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं सो so, इसमें चार ऑप्शन हैं पहला है मैक्रोस्लरीट्स एस्ट्रोस्लरीट्स ब्रेकी इसकेलेलिड्स एंड ऑस्ट्रियो इस्केलेट्स ये जो क्वेश्चन लिया गया था वो बायजूज एंड डाउट नट ये दोनों वेबसाइट्स हैं इंडिया की और उससे उन उनसे लिया गया है एज इट इज़ तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैक्रोस्लरी ऑप्शन ए उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है द फ्रेगरेंट फ्लावर्स विद द दे वेल डेवलप्ड नेक्टर नेक्टराइंस आर एन अडाप्टन फॉर फ्रेगरेंट फ्लावर, फ्लावर्स जो हैं वो किस चीज़ की अडाप्टन है एनिमोफिली और एंटोमोफिली और हाइड्रोफिली फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं एंटीमोफिली मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशनस के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सो राइट आंसर इज़ सी उसके बाद है आर्गेनल्स इन्वाल्ड इन फोटो रेस्पायरेशन आर कौन से आर्गेनल्स फोटो रेस्पारेशन में इन्वॉल्व होते हैं ये भी सवाल एज़ इट इज़ लिया गया है टॉपर वेबसाइट से सो so इसका जो राइट right आंसर है वो है डी लोरोप्लास्ट माइटोकोन्ड्रिया एंड पराक्सीजोम ये तीनों ऑर्गेनल्स हैं जो फोटोरेस्पारेशन में हेल्प करते हैं उसके बाद है ए प्लांट हैविंग टू टाइप्स ऑफ हैप्लाइड स्ट्रक्चर इन इट्स लाइफ साइकिल इज नोन एज ऐसा पौधा जिसकी लाइफ साइकिल में दो हेपलाइड स्टेज होते हैं उनको क्या कहते हैं इसका सोर्स है ये मतलब दो असाइनमेंट एक्सपर्ट एक वेबसाइट एक है उसी से लिया गया है तो इसको बोलते हैं हेप्लोबायटिक है दिस इज़ दी फिनिना तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर उसके बाद है राइबोजाइम्स। राइबोजाइम इज़ राइबोजाइम क्या है राइबोजाइम एंजाइम है या आरएनए है विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी या हार्मोन है या प्रोटीन ये टॉपर से लिया गया है तो राइबोजोजाइम जो है वो होता है आर एन ए विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी इज द आंसर। उसके बाद है डैश इज कामन अमंगस्ट न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी चीज़ इन तीनों में कामन होती है क्रिस्टाई थैलिक्वाइड्स न्यूक्लियक एसिड और कार्बोहाइड्रेट हैडरे, मेटाबॉलिज्म द राइट right आंसर इज ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन द प्रोसेस थ्रू विच द अमाउंट ऑफ डी एन ए एन एंड प्रोटीन इज नोन एट द टाइम इज कॉल्ड ये टॉपर से लिया गया है और इस एक्टिविटी को ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं उसके बाद है द सीड्स विच हैव सेपरेट एंडम ऐसे सीड्स जिनमें में एंडोस्पम सेपरेट होता है सो so ऑप्शन है मेज़ ऑनियन राइस एंड बीन इसमें चार ऑप्शन थे ओनली मतलब जो करेक्ट आंसर है वो डी होना चाहिए ई e, e होना चाहिए ऑफ ए बी सी ये तीनों जो हैं वो करेक्ट आंसर हैं मगर इसमें जो है करेक्ट आंसर दिया भी नहीं गया था मेज़ ऑनियन एंड राइस एंड बीन ये चार ऑप्शन थे सो करेक्ट आंसर है मेज़ ऑनियन एंड राइस इन तीनों में जो एंडोस्पम है वो सेपरेट होता है सो ए बी एंड सी ये तीनों करेक्ट हैं आगे चलते हैं विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट मैक्सिमम डाइवर्सिटी कौन सा ग्रुप प्लांट्स का सबसे ज़्यादा है या जिसकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है तो हम जानते हैं एनजियोसपम्प्स सबसे ज़्यादा हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर उसके बाद है द प्रोसेस इन विच द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटीरियल बाय इन फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वेक्यूल सेल मेम्ब्रेन जो है मटीरियल इन साइड लेता है बाई इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वेक्यूल तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर उसके बाद है इन प्लांट सेल्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री इज द प्लांट सेल्स में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको सेलवाल कहते हैं उसके बाद है द सल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ सॉल्यूबल पार्ट साइटोप्लाज्म का होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल उसके बाद है थर्टीन मार्फोलॉजिकली एंडोप्लाजमिक क्रेटिकुलम इज़ ऑफ मार्फॉलॉजिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने अकसाम का होता है सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर टू शेप्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो शेप्स होते हैं उसके बाद है राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द राइबोसोम कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियोलस आर न्यूक्लियस सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर न्यूक्लियोलस में प्राइबोजोम्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद है नाइट्रोजन बिकम्स अवेलेबल टू प्लांट्स बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सेप्ट नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल होता है बाय द फॉलोइंग प्रोसेस सिवाय डी के इसमें नाइट्रोजन की अमाउंट कम हो जाती है सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर उसके बाद है सिक्सटीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ज़ाइलम कौन सी ज़ाइलम की मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करती है ऑप्शन ए है कैपिलरी रिएक्शन प्लाजमोडेसमेटा रूट प्रेशर आर ट्रांसपायरेशन सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन इज रेस्पांसिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर सेवनटीन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू फ्लावरिंग एक्सेप्ट इनमें से सब फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं सिवाय सिवाय क्लोरोफिल के, के जो फ्लावरिंग में हेल्प नहीं करता बाकी फोटोपैराडिज़म यह भी मेकेनिज्म है या प्रोसेस है जो फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं फाइटोग्रोम हार्मोन फ्लोरिजिन ये सारे फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन रूट एंड स्टेम सिवाय ये सारी चीज़ें रूट एंड स्टेम में पाई जाती हैं सिवाय तो इसका आंसर मुझे नहीं समझ आ रहा आप काइंडली बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर आगे चलते हैं नाइनटीन राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ प्रोमोटेड बाय फ्रूट की राइपनिंग किस हार्मोन की वजह से किस हार्मोन की मदद से होती है सो ऑप्शन सी इथाइलिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इथाइलिन इज द राइट आंसर आगे चलते हैं टू सिम्पेट्रिक स्पेश ऑफ पाइन ट्रीज रिलीज देयर आर पोलिन ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स दो सिम्पेट्रिक स्पेश ऑफ पाइन सिम्पेट्रिक मीन्स ऐसी स्पेशज दो दो ऐसी स्पेशीज जो एक ही एरिया में ग्रो कर रही हो मगर वो अपने जो पोलिन ग्रेन हैं वो डिफरेंट मंथ्स में रिलीज़ करती हैं ये एग्जांपल होता है किस चीज़ का हैबिटाट आइसोलेशन का टेम्पोरल आइसोलेशन बिहेवियरल और के निकल सो दिस इज़ द ऑफ टेम्पोरल आइसोलेशन नेक्स्ट है अस्परजिलस पेंसिलियम एंड अल्टरनेरिया रिप्रोड्यूस ए सक्शुअली फार्मेशन ऑफ ये तीनों जो फनजाए हैं ये ए सल रिप्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉनिडिया फार्मेशन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप लैंड प्लांट्स का कौन सा है ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स क्यों सक्सेसफुल हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ काइंडली बता दीजिएगा कमेंट में थैंक यू आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टेरोपसीडा इज़ डिवाइडेड इन टू टेरोपसीडा किस में किस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सो so, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है टेरोप्सीडा को इन तीनों ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था फिलिसनाई जिम्नोस्पर्मी एंजियोस्पर्मी सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर उसके बाद है इन टर्म द लीव्स बियरिंग द स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एडियंटम में जो लीव्स होते हैं जिनमें स्पोरेंजिया होता है उनको क्या बोलते हैं उनको स्पोरोफिल्स बोलते हैं ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर उसके बाद है विच जनरेशन इज़ डोमिनेंट इन एडियंटम? कौन सी जनरेशन एडियंटम में डोमिनेंट होती है तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ ब्रायोफाइट्स में गेमिटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है बाकी जो भी हैं टेरिडोफाइट्स जिमनोज एंड एनजियपम्पस इन तीनों में स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है तो एडियान्टम भी टेरिडोफाइट का मेम्बर है और इसमें भी स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आगे चलते हैं द माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसड इन साइड द माइक्रोस्पे स्पोरेंजिया जर्मिनेट्स टू फार्म माइक्रोस्पोर जो होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस या फार्म होता है हमें पता है वो किस में जर्मिनेट होता है वो माइक्रोगेमिटोफाइट बनाता है सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है इन द एजियोस्पम्प ओवरी मेच्योर्स इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ़र्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म्स में ओवरी किस चीज़ में मेच्योर हो जाती है दैट इज़ द ईजी क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन हल करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी होती है सब ऑप्शंस को देखना पड़ता है उसके बाद जो आपको ठीक लगता है हंड्रेड परसेंट करेक्ट लगता है उसी को आपने आ, फिल करना होता है थैंक यू सो ऑप्शन बी फ्रूट इज़ द राइट आंसर ओवरी ही मेच्योर इंटू फ्रूट ओवियुल्स मेच्योर इंटू सीड्स आगे चलते हैं विच स्ट्रक्चर इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनजी ओ इज़ ट्रिपल वाइड कौन सी स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल में एनजीओ ओ की ट्रिपल होती है इजी है एनडोस्पम्प्स एंडोस्पम जो है वो ट्रिप्लोइड होता है नेक्स्ट है द लीव्स एंड फ्लोरल बर्ड्स ऑफ वन ऑफ़ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स लीव्स भी मीन पत्ते भी और फ्लावर्स की बर्ड्स भी एज अ वेजिटेबल यूज़ होती हैं कौन से प्लांट की द राइट आंसर इज़ बाहनिया वेरीगेटा ये प्लांट है इसके फ्लावर्स भी खाए जाते हैं एज अ सब्जी एंड लीव्स भी सो नेक्स्ट इज़ द द स्टेमिनस आर यूनाइटेड बाई देअर फिल्मेंट्स इन टू ग्रूप्स डाई अडल्ट फर्स्ट कंडीशन इन द मेम्बर्स ऑफ स्टेमिनस दो ग्रुप्स में यूनाइटेड होते हैं जिसको डाई एडल्ट फर्स्ट कंडीशन भी कहते हैं ये कौन सी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है सो देट इज़ द करेक्टरिस्टिक फ़ीचर ऑफ फेबेसी नाइन प्लस वन नाइन जो हैं स्टेमिन्स वो एक बंडल में होते हैं और एक जो अलग होता है वो सिंगल वो सेपरेट होता है सो so, दो बंडल बनते हैं इसीलिए डायडल्फस कहते हैं और ये फेबेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कोरोला इज द करेक्टरिस्टिकैमली कोरोला किस फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है सो ऑप्शन सी सोलेनेसी नेक्स्ट इफ़ प्लॉट्स आर ग्रोन विदाउट लाइट दे बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड फेल टू फार्म क्लोरोफिल दे आर सेड टू बी अगर प्लांट्स को लाइट के बग़र ग्रो किया जाए तो वो लम्बे हो जाते हैं मगर उनमें क्लोरोफिल नहीं फार्म होता इनको क्या बोलेंगे इट्यूलेटेड क्लोरोटिक सरका एनी इनको तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं आल ऑफ दीज इनको एटियोलेटेड भी कहते हैं क्लोरोटिक भी कहते हैं एंड सरका एनुअल भी कहते हैं मीन्स उसकी जो लाइफ स्पान है वो बढ़ जाती है सो दे आर आल्सो नोन एज सरका एनुअल सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट स्पेशल सब्सटांस प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट प्लान्टिस्पांस टू वेरियस स्टीमुलाए कौन से सबस्टांस प्लांट्स में प्रोड्यूस uh, होते हैं जो वेरियस स्टमिलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं वो होते हैं हारमोन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट रूट कैप इज़ नॉट फाउंड इन रूट कैप कौन से प्लांट्स में कौन से प्लांट के ग्रुप्स में पाई जाती हैं नहीं पाए जाते सो ऑप्शन डी ज़ीरो सॉरी ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट्स में रूट uh, कैप नहीं होती नेक्स्ट सिन एंड रस कंडीशन इज़ द फ्यूजन ऑफ वाट ये लिया गया है क्वेश्चन एज इट इज़ फ्राम बाई जूज वेबसाइट सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फिल्मेंट्स ओनली फिलामेंट्स एंड एंथर्स एंथर्स ओनली आर पेटल्स सिन एंड रस कंडीशन किस चीज़ की फ्यूजन होती है तो इसमें फिलामेंट्स एंड एंथर्स दोनों फ्यूज़ होते हैं उनको सिन एंट्रस बोलते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कुकर बिटेसी गोड वाटरमेलन फैमिली का ओके नेक्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रिलेटेड विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग किस चीज़ से रिलेटेड है ये वेदांतु से लिया गया था सवाल एज इट इज़ ऑप्शन ए है यू जेनिक्स बी है यूफेनिक्स सी है यू थेनिक्स डी है ऑल ऑफ दिस सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर यू जेनिक्स यू मीन्स गुड जेनिक्स मीन्स जेनेटिक्स मीन्स फॉर द बेटरमेंट और फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट जो काम किया जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं और उसको यू भी बोलते हैं मीन्स एन अदर नेम ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ यू नेक्स्ट एलिजिटी क्रॉसिंग ओवर इज़ एन अदर ट्रम फॉर एलिजिटी क्रॉसिंग ओवर का दूसरा किस चीज़ का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल ट्रांस लोकेशन का एलिजिटीम्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर नाम है ये भी टॉपर से लिया गया है नेक्स्ट है द हार्मोन रिड्यूसिंग ट्रांसपारेशन बाय इंड्यूसिंग एस्टोमेटल क्लोजर हारमोन जो ट्रांसपारेशन को रिड्यूस करता है एस्टोमेटा किलो, क्लोज करते हुए सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ए बी ए अबिस एसिड नेक्स्ट है आइज ऑन पोटेटो ट्यूबर्स रिप्रेजेंट ये टापर से लिया गया है जो पोटेटे पोटेटो ट्यूबर के ऊपर आइज़ बनती हैं या होती हैं उनको वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं सो दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द नोट्स फ्राम विच न्यू प्लांट्स ग्रो सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इन अ पांड इको सिस्टम बेंथोज रिप्रजेंट एक पांड के इको सिस्टम में बेंथोज किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जू प्लांटन्स को वाटर के सरफेस पे ऑप्शन बी है लार्ज फिशेस को लार्ज फिशेस को C है प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द बॉटम ऑफ पांड D ऑल फाइडो प्लान सो बेंथोज रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द बॉटम ऑफ अ पांड ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द कलर ऑफ बिल्यू ग्रीन एल जी मे बी बिल्यू ग्रीन एल का कलर हो सकता है कौन सा बिल्यू ग्रीन या सिर्फ ग्रीन या येलो या आल सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस यू कैरियोट्स मे कंटेंट यू कैरियोट्स ये सेल की बात कर रहा है यू कैरियोट्स में कौन से कौन से ऑर्गेन हो सकते हैं गॉलजी कॉम्प्लेक्स यस होता है ई आर एंडोप्लाज रेटिकुलम यस होता है क्लोरोप्लास यस yes, हो सकता है सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट है द किंगडम दैट कंटेंस प्रो इज किंगडम जिसमें प्रोकैरियोट्स हैं उसको क्या कहते हैं या वो कौन सा है सो मोनेरा मोनेरा इज आल्सो नोन एज प्रोकैरियोट्स ऑल आर फ्रूट्स एक्सेप्ट इनमें से सब फ्रूट हैं सिवाय टोमेटो कोकम्बर स्क्वाश और कैरेट सिवाय कैरेट कैरोट जो के अंडरग्राउंड रूट है मॉडिफाइड रूट है और बाकी जो तीनों हैं टोमेटो वो फ्रूट है कोकम्बर भी फ्रूट है स्क्वाश भी फ्रूट है सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर कैरोट नेक्स्ट है ए ट्यूबर इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम एक ट्यूबर जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है नेक्स्ट है ए प्लांट देट रिप्रोड्यूसेस बाय रनर्स ऐसा प्लांट जो रनर्स की हेल्प से स्ट्रा ग्रो होता है उसको स्ट्रॉबेरी कहते हैं स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस बाय रनर्स नेक्स्ट है द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस इज कौन सी सब्सटेंस या कौन सी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस की मदद से डायरेक्टली प्रोड्यूस होती है सो दैट इज़ द ऑप्शन करेक्ट ए ग्लूकोज नेक्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी एट मियासिस इन डिप्लाइड ऑर्गेनिज्म इज़ ड्यू टू मल्टी की फॉर्मेशन डिप्लाइड आर्गेनिज्म में किस वजह से होती है टॉपर से लिया गया सवाल रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो कौन सी कौन से टिश्यूज़ में पाई जाते हैं ठीक है ये रूट्स की बात कर रहा है पेरीडर्मिस एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस करेक्ट आंसर इज एंडोडर्मिस वाट इज़ द difference बिटवीन algae and एंड फंजाई एल और फंजाई में क्या फ़र्क है ऑप्शन ए है एल जी हेज़ क्लोरोफिल फंजाई डोंट हैव बी है फंजाई हैज़ क्लोरोफिल एल डोंट हैव सी बोथ हैव क्लोरोफिल डी ऑल ऑफ दिस सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर एल में क्लोरोफिल होता है जबकि फंजाई में नहीं होता वो होते हैं फ़िफ्टी वन इंसेक्टिव इंसेक्टिवरस प्लांट्स ग्रो इन द दॉयल विच इज़ डिफ़िशेंट इन इंसेक्टिव इंसेक्टिवॉरस प्लांट्स कौन सी सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें क्या चीज़ किस चीज़ की कमी होती है सो so, ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिनमें नाइट्रेट्स की कमी होती है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है ए प्लान्टो रूट हेयर्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन आर आन ऐसा प्लांट जिसमें रूट हेयर्स ना हो, वो कौन सी जगह पे पाया जाएगा डिज़र्ट में मीडियो में ड्राई हिल साइड में या पांड में ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर पांड में पाया जाएगा डैश डज़ नॉट रिप्रोड्यूस विद द मीन्स ऑफ सीड्स इनमें से कौन सा प्लांट है जो सीड्स के बगैर रिप्रोड्यूस करता है कॉनिफर, फर्न ग्रास आर्ग्यूम द फर्न इज़ द करेक्ट आंसर फंड जो है वो हैं वो टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें सीड्स नहीं होते जबकि कॉनिफर जो है जिमनोस हैं उनमें सीड्स होते हैं ग्रासेस एन हैं और लेग्यूम्स भी एन हैं इन तीनों में सीड्स होते हैं सिवाय फंड्स के सो फर्न डज नाट रिप्रोड्यूस विद बाई मीन्स ऑफ सीड्स पीनट्स आट आर पीनट्स असल में क्या हैं बीन्स फ्रूट्स नट्स आर नन ऑफ दीज

इसका ऑप्शन है लाइकिन करेक्ट आंसर लाइकिन अब प्लांट नहीं है मगर ये पूछ रहा है नेम ऑफ प्लांट ये गलत है क्वेश्चन भी गलत है जो लाइकिन है वो एसोसिएशन है फंजा एंड एल की की नो और स्टोन पे ग्रो करती है ओके okay, ये करेक्ट है सो so, यहाँ पे इस हिसाब से लाइकिन जो है वो राइट right आंसर है आगे चलते हैं पांड इकोसिस्टम शोज़ पांड इकोसिस्टम में कौन सी चीज़ होती है ऑप्शन ए है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इनवर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी द करेक्ट आंसर इज अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एनिमी ऑफ फॉरेस्ट इज़ सबसे नेक्स्ट है द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एनिमी ऑफ फॉरेस्ट इज़ सबसे तबाह दुश्मन फॉरेस्ट का या जंगल का कौन सा है कौन सी आ, कौन सा फैक्टर है विंड फायर बर्ड्स या इंसेक्ट्स सो so, सबसे ख़तरनाक है वो है फायर सॉरी फायर फायर इज़ द करेक्ट आंसर आगे चलते हैं इफ़ देर वर नो मलबरी ट्री देर वुड बी नो डैश अगर मलबरी ट्री ना होते तो कौन सी चीज़ ना होती म्बर गम सिल्क या फायरवुड ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है सिल्क ना मिलता क्योंकि जो मलबरी ट्री पे वर्म्स ग्रो करते हैं वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं अगर मलबरी ना होता तो वर्म्स ना होते अगर वर्म्स ना होते तो सिल्क हमें ना मिलता सो ऑप्शन सी सिल्क इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है फिदर स्टिगमा यहाँ पर फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए फिदर स्टिग्मा इज़ प्रजेंट इन कौन से प्लांट्स में फ़िदर स्टिग्मा होती है पी हिबिस्कस वीट और पोपी सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर वीट में जो है फिदर स्टिग्मा होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है फेबेसी पोसी फैमिली का क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है फंजाई आर डिस्क्राइबड एज डिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स बिकॉज फंजाई जो है उनको डिस्क्राइब किया गया है कि वो प्लांट्स पे डिपेंड करती हैं क्यों दे के नॉट एग्जिस्ट विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स हैव नो क्लोरोफिल उनमें क्लोरोफिल नहीं होता दे के नाट प्रिपेयर देयर ऑन फूड वो अपना खाना ख़ुद नहीं बना सकते सो ऑल ऑफ दिज इज़ द करेक्ट आंसर ये तीनों चीज़ें या तीनों केक्टरस्टिक फीचर हैं फंजाई के नेक्स्ट आए इन ग्रीन प्लांट नाइट्रेट्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन प्लांट्स में नाइट्रेट्स मींस ग्रीन प्लांट्स जो हैं नाइट्रेट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं वो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अब इंग्लिश का पोर्शन है ही गाट द जॉब बाय इन्फ्लुएंस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट है आई एम सर्चिंग फॉर माई कार ऑप्शन बी देन है अली हैज़ ग्रेट कैपेसिटी फॉर सिंगिंग ऑप्शन डी नेक्स्ट है मदीना इज सेक्रेट For Muslims, next eye, Sohail is blind of one eye. Next eye, is there any remedy for this disease? Kya is hai? Next eye, he is indifferent to his friends. Option C. Then I am short of money these days. Option B. Next A. He is quick at figures. Next A. He cannot stop you from coming here. Next A. a good judge never jumps to the conclusion. Next A. There is a limit. For everything. Next, I stand here while I speak. Next, take any apple what you like. Next, Maria has been waiting for you since morning. Thank you so much.